अस्सलामुअलैकुम जी। कल एक बहुत बड़ा T20 का मैच खेलने जा रहा है इंडिया में, और इंडिया और श्रीलंका की सीरीज हो रही है T20 की। वर्ल्ड कप से पहले कोई भी टीम अगर T20 की मैचेस खेलेगी तो उसका बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि उसकी वजह ये, एक तो T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्म T20 वर्ल्ड कप के लिए मैचेस भी आप खेलेंगे, फिर परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने आएगी, फिर आपको ये पता चलेगा कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर कि हम कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनको लेके जा सकते हैं। ये एक वर्ल्ड कप से पहले जिन जिन टीमों की भी सीरीज हो रही है उनको ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। अगर हम श्रीलंका की पहले श्रीलंका की प्लेयर्स की अगर हम बात करें, आप देखिए कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जब पाकिस्तान का टूर हुआ था उसमें नहीं आए थे, जिसमें एंजलो मैथ्यूज भी थे, फिर लसित मलिंगा भी थे। तो अब जो इंडिया की सीरीज हो रही है उसमें लसित मलिंगा कप्तानी कर रहे हैं, एंजलो मैथ्यूज भी आ गए हैं उसके अंदर। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो सीरीज हुई थी, आपने देखा होगा कि दसुन शनाका उन्होंने कप्तानी की थी। इस सीरीज में भी हैं वो अगेंस्ट इंडिया के, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कप्तानी की, पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से उन्होंने अपनी कप्तानी में सीरीज हराई। उसमें जिन जिन लड़कों ने परफॉर्म किया, गुना टिकाला ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, रजब पास्का जो थे जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही थी। फिर उसके बाद कुमारा जो हैं, लहीरो कुमारा जो हैं, आई थिंक वो एक अच्छे बॉलर सामने आ रहे हैं, और इंडिया के अगेंस्ट जो सीरीज है उसमें नज़र आ रहा है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनके पास एक पेस है। T20 क्रिकेट के अंदर अगर किसी भी फास्ट बॉलर के पास पेस होता है तो उसका बड़ा एडवांटेज होता है। यॉर्कर्स लास्ट ओवर में अगर वो करते हैं तो पेस की वजह से इतनी आसानी से हिट नहीं कर सकते। स्लो वन भी अगर वो करते हैं तो वो उसमें भी बड़ा पेस के साथ एकदम से जब स्लो बॉल होगी तो उसमें बैट्समैन बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो उसके उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है लाहिरो कुमारा के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कप्तान लसित मलिंगा की, लसित मलिंगा बहुत ही, मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे फास्ट बॉलर्स होते हैं जो लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं अपनी टीम के लिए भी और लीग क्रिकेट में भी। तो उनके पास एक ह्यूज एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट का। नए बॉल से भी बॉलिंग करते हैं, नए बॉल से स्लो वन यॉर्कर्स, नए बॉल से यॉर्कर्स और स्लो वन कंट्रोल करना, क्योंकि नया बॉल आपके हाथ से निकलता है उतनी आसानी से आपको आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो उसके साथ इतनी ज़बरदस्त वो बॉलिंग करते हैं। फिर माने जाते हैं लास्ट ओवर्स के अंदर जिस तरीके से वो यॉर्कर्स और स्लोवन करते हैं, दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन भी उनके सामने हो वो उतनी आसानी से उनको नहीं मार सकता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी बैट्समैन सॉरी बॉलर की, असुरु असुरु उधाना जो है, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ये काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं श्रीलंका के लिए। अगर मैं गलत हूँ तो माजरत, मेरे ख्याल में शायद ये 2009 के वर्ल्ड कप में भी थे श्रीलंका की टीम में, वहाँ भी उन्होंने बॉलिंग की थी बहुत अच्छी। तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। एक तो उनका एक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट सा एक्शन है, वो आप इतनी आसानी से उनके हाथ को चेक नहीं कर सकते, उनके रिस्क को चेक नहीं कर सकते। तो स्लोवन बहुत एक्सपीरियंस है, स्लोवन बड़े अच्छे करते हैं लास्ट ओवर्स में, यॉर्कर्स बड़े अच्छे करते हैं। तो इनकी इनकी जो परफॉर्मेंस है इनको भी एक बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया देनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की जो एक कुशाल परेरा आपके सामने है वो बहुत ही तगड़ी किस्म की बैटिंग करते हैं, बहुत तेज़ खेलते हैं, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है श्रीलंका की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो वन साइड कर सकते हैं मैच, इतने ज़बरदस्त वो खेलते हैं। एक बॉलर और है श्रीलंका का जो कसुन रजीता शायद, क्योंकि उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। नया बॉल करते हैं, आउट स्विंग बड़ी अच्छी करते हैं, एक लाइन लेंथ पे बॉल करते हैं, क्योंकि आप किसी भी किस्म की क्रिकेट खेल रहे हो एक लाइन लेंथ के साथ एक जगह पे जब आप बॉल करेंगे तो किसी भी बैट्समैन को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम आप इंडिया की तरफ आते हैं तो ये बहुत अच्छा साइन है, दो प्लेयर ऐसे हैं इंडिया के जो T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया की टीम में दोबारा आए हैं। शेखर धवन दोबारा आए हैं वापस, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, दोबारा उनका कमबैक हुआ। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, देखिए जसप्रीत बुमराह के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें थी सबकी, क्योंकि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले वो इस सीरीज़ में आ गए हैं फिट होकर, क्योंकि जो उनको बैक इंजरी थी वो इतनी आसानी से
जो बंदा बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करेगा तब जाके वो फिट हो सकता है, वरना इतनी आसानी से उसका जो कम बैक है नहीं हो सकता। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया की टीम में आना ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जो भी बॉलर अनफिट होता है जब टीम में आता है उसको कुछ टाइम चाहिए होता है परफॉर्मेंस के लिए, तो वर्ल्ड कप से पहले बुमराह के पास बहुत अच्छा टाइम है। मुझे उम्मीद है कि बुमराह ऐसा बॉलर है, इतना एक्सपीरियंस उसके पास है कि वो अपने आप को वर्ल्ड कप से पहले बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेगा, तो ये बड़ा अच्छा साइन है। जसप्रीत बुमराह इंडिया की टीम में वापस है। उसके बाद जो शिखर धवन है, शिखर धवन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी इन आउट रही है, लेकिन वो जैसा प्लेयर है T20 क्रिकेट में उसकी जगह बन सकती है, और इसीलिए उसको वो वापस भी आए हैं टीम के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले सब टीमों ने ये देखना कि कौन कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि जो शिखर धवन है वो 100% परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया के पास, मैंने हमेशा बोला है, जो ओपनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो अच्छा खेलेगा वही वर्ल्ड कप के अंदर जाएगा। उसके साथ साथ एक और लड़का जो आया है टीम के अंदर, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, जितने खुले दिल से वो बैटिंग करता है, जितने खुले दिल से वो शॉट्स खेलता है, आपने उसको उनको आईपीएल में देखा होगा बैटिंग करते हुए, टीम में भी खेले, लेकिन जिस तरीके से वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, डरते नहीं हैं, मैं बात कर रहा हूँ संजू सैमसन की। वो बहुत अच्छा एक उभरता हुआ प्लेयर है, वो जो वापस आया है अभी इंडिया की टीम के अंदर, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया की जो मैनेजमेंट है या सिलेक्टर हैं वो वर्ल्ड कप से पहले ट्राई कर रहे हैं प्लेयर्स को, कि जो अनफिट है उनको वापस ला के ट्राई किया जाए, जो आउट ऑफ फॉर्म थे उनको भी वापस ला के ट्राई किया जाए कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप से पहले एक तगड़ी सी किस्म की हम टीम बनाएं। तो ये जो सीरीज़ होने जा रही है कल, ये मेरे ख्याल में ये बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि श्रीलंका के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है और जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत तगड़ी किस्म की है, ये सबको पता है। T20 क्रिकेट आप सबको पता है कि इसको बिल्कुल भी, इस क्रिकेट में आप रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि एक प्लेयर ऐसा है जो भी बैट्समैन अगर सेट हो गया वो मैच को लेके चला जाएगा, एक बॉलर ऐसा है जो एक ही ओवर में अगर टीम को आउट कर दे, जिस तरीके से मलिंगा ने, आपको याद होगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 बॉलों पे 4 आउट किए थे, तो T20 क्रिकेट में यही सब कुछ आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी टीम जीत जाती है। तो उम्मीद है कि कल का जो मैच है वो अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।